कनाडा के शहर टोरंटो में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। दारुलहुकूमत ऑटावा में तूफानी हवाओं के साथ शदीद झालाबारी और बारिश। टोरंटो शहर में जारी बारिशों का सिलसिला जुमे तक जारी रहने का इम्कान। कनाडा में मुकीम भारतीय शहरी के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। भारतीय शहरी को अमरीकी अदालत की जानिब से 5 साल कैद की सज़ा का सामना है। मुलजिम ने मुतादिद हिंदुस्तानियों को कनाडा से अमरीका में इंसानी स्मगलिंग की सहूलत फराहम की। कनाडा और अमरीका के बॉर्डर पर लगी आग के सबब इनखिला के ऑर्डर जारी। जंगल की आग रियासत वाशिंगटन से ब्रिटिश कोलंबिया तक पहुंच गई। अमरीकी और कैनेडियन हुकाम की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। वाशिंगटन डीसी में तूफानी हवाएं और बारिश, निजाम जिंदगी मुतासर। 80 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। चीन में समंदरी तूफान, शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग। बीजिंग में स्पोर्ट्स इवेंट्स मंसूख। मास्को नेटो के साथ किसी भी तसादुम के लिए तैयार है। रूसी सदर प्यूतिन का कहना है कि यूक्रेन के महाज पर कोई गैर मामूली तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं। अफ्रीकी एकदम एक बुनियाद हो सकता है जिस पर अमन कायम किया जा सकता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा के शहर टोरंटो में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि दारुल हुकूमत ऑटावा में गोल्फ गेंदों के साइज में ओले पड़े जिसने शहर में तबाही मचा दी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि दारुल हुकूमत ऑटावा में गोल्फ गेंदों के साइज में ओले पड़े जिसने शहर में तबाही मचा दी। गैर मामूली साइज के ओलों की जद में आकर मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि लातादाद गाड़ियों और इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो में तूफानी हवाओं के साथ शदीद झालाबारी और बारिश हुई। इस दौरान चलने वाली तूफानी हवाओं से बिजली का निजाम मुतासिर हुआ और हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। इस दौरान टेनिस की बॉल के हजम के बराबर ओले पड़े। वजनी ओलों से गाड़ियों की विंडशील्ड पर क्रैक पड़ गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक शहर में 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दरख्त गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हवाओं की शिद्दत से साइन बोर्ड्स गिर गए। मकानात की छतों को नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली की लाइनें गिरने से हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। जुमे को आने वाले तूफान के बाद शहर में सफाई का अमल जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज शहर में इम्कानी तौर पर शदीद तूफान और झालाबारी की वार्निंग वापस ले ली गई है। दूसरी जानिब टोरंटो शहर में जारी बारिशों का सिलसिला जुमे तक जारी रहने का इम्कान है। एक हिंदुस्तानी शहरी ने जो कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो में रह रहा था, उसने एक अमरीकी अदालत में 2020 और 2021 में हिंदुस्तान से गैर मुल्की शहरियों को अमरीका में स्मगल करने के जुर्म का एतराफ़ किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एक हिंदुस्तानी शहरी ने जो कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो में रह रहा था, जुमे के रोज़ एक अमरीकी अदालत में 2020 और 2021 में हिंदुस्तान से गैर मुल्की शहरियों को अमेरिका में स्मगल करने के जुर्म का एतराफ़ किया है। 40 साल सिमरनजीत सिंह को जून 2022 में ऑन्टेरियो में गिरफ्तार किया गया था और मार्च में उसे कनाडा से अमेरिका के हवाले किया गया था। न्यूयॉर्क के शुमाली ज़िले में अमेरिकी अटॉर्नी के दफ्तर ने जुमे को एक प्रेस रिलीज में कहा कि जुर्म का एतराफ़ करते हुए सिंह ने एतराफ़ किया कि कम अज़ कम मार्च 2020 से
मार्च 2021 तक उसने मुतादित हिंदुस्तानी शहरियों की कनाडा से रियासत हाय मुतहदा अमरीका में स्मगलिंग की सहूलत फराहम की। प्रेस रिलीज के मुताबिक सिंह, जो ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो का रिहायशी था, कम अज़ कम 5 साल कैद का सामना कर रहा है, लेकिन उसे 15 साल तक कैद, $2.5 लाख तक का जुर्माना और 3 साल की निगरानी में रिहाई भी मिल सकती है। उसने अजनबी स्मगलिंग और अजनबी स्मगलिंग की साजिश के जुर्म का एतराफ़ किया। इमिग्रेशन जज के फैसले की बुनियाद पर उसे सजा पूरी होने के बाद अमरीका से मुल्क बदरी का भी सामना करना पड़ेगा। माहरीन का कहना है कि ये केस इस बात की एक झलक को जाहिर करता है कि इंसानी स्मगलिंग का कारोबार किस तरह चलता है और किस तरह तारिकीन वतन के बेतहाशा फीस अदा करने के लिए इस्तेहसाल किया जाता है। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि वो अमरीकी कैनेडा सरहद के करीब लगने वाली आग पर तआवुन करने के लिए अमरीकी फायर सर्विसेज हुकाम के साथ करीबी रबते में है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओकनहागन, सैम्बल, कामिन के इलाकाई ज़िले और ओसियोस के कस्बे में हफ्ते की शाम ओसियोस में और उसके आस पास के 732 जायदादों के लिए एक इनखिला का हुक्म जारी किया, जो कि अमरीकी कनाडा की सरहद से बाहर लगी जंगल की आग के जवाब में है। बेकाबू तेजी से फैलने वाली जंगल की आग रियासत वाशिंगटन से ब्रिटिश कोलंबिया तक पहुंच गई। बीसी वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि ईगल बल्ब की आग अब कनाडा की जानेब 8.8 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर भड़क रही है, जबकि वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का अंदाजा है कि अमरीकी 40 मुरबा किलोमीटर से हिस्से का साइज ज्यादा है। BCWS कनाडा US का कहना है कि वो सरहद के करीब लगने वाली आग पर तआवुन करने के लिए अमरीकी फायर सर्विसेज हुकाम के साथ करीबी रबते में है। ईगल बल्ब की आग BC के जनूबी दाखिले के कस्बे ओसियोस से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर जल रही है और उसे जंगल की आग समझा जाता है। ये कस्बा, जो वैंकूवर से 400 किलोमीटर मशरक में है, सिर्फ 5,000 से ज्यादा रिहायशियों पर मुश्तमिल है। पिछली जंगल की आग की ताज़ा कारियों में सरहद के कनाडा की जानिब लगने वाली आग को लॉन पाइन क्रैक फायर कहा गया था, लेकिन जंगल की आग के दोनों अतराफ को अब ईगल बल्ब फायर कहा जा रहा है। इनखिला का हुक्म सरहद के शुमाल में हाईवे 97 और हाईवे 3 के साथ मगरिब और शुमाल के साथ हाईवे 3 के साथ वाले इलाके का अहाता करता है। इतवार की सुबह मगरबी ओसियोस में 2,000 से ज्यादा अमलाक को इनखिला के इंतबाह पर रखा गया था, जैसा कि ओसियोस झील के मगरब की जानब एक रकबा हाईवे 97 के साथ शुमाल की तरफ फैला हुआ था। इनखिला के इंतबाह का मतलब है कि रिहायशियों को अपने घर खाली करने की तैयारी करनी चाहिए, मुमकिन तौर पर बहुत कम या बगैर किसी इत्तला के। इनखिला के हुक्म का मतलब है कि रिहायशियों को फौरी तौर पर वहां से निकल जाना चाहिए। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। तूफानी हवाओं ने बिजली की तार और साइन बोर्ड्स भी गिरा दिए, जिसकी वजह से हजारों अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 80 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफानी हवाओं ने बिजली के तार और साइन बोर्ड्स भी गिरा दिए, जिसकी वजह से हजारों अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब मैक्सिको में भी तूफानी हवाओं, बारिश और ज़ालाबारी का तूफान आया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में तूफान से सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा है। मैक्सिको शहर में शदीद बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरी जानिब समंदरी तूफान डॉक्सोरी के जेरे असर चीन के शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हुई हैं, जबकि सूबे फौजियान में लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से गाड़ियां और रिहायशी इलाके कीचड़ में घिर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में तूफान के जेरे असर शदीद बारिशों के रेड अलर्ट के बाद शहर में खेलों के मुकाबले मनसूख कर दिए गए। कई सियाहती मुकामात और पार्क्स को बंद कर दिया गया है। तूफान की वजह से शुमाली चीन बिलखसूस दारुल हुकूमत बीजिंग में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है और बीजिंग में रेड अलर्ट जारी करने के साथ हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में पानी में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला गया। फिलिपाइन, ताइवान और चीनी साहिल से टकराने वाले ताकतवर तूफान की वजह से आइंदा 3 दिनों में बीजिंग में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। दूसरी तरफ शदीद बारिशों से सूबे फौजियान में लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियां और रिहायशी इलाके पानी और कीचड़ में घिर गए। मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल के बाइस कई इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कोई भी रूस और नेटो के दरमियान तसादुम नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई चाहता है तो हम तैयार हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कोई भी रूस और नेटो के दरमियान तसादुम नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई चाहता है तो हम तैयार हैं। रूसी सदर ने इस बात की तस्दीक की कि मास्को ने यूक्रेनी बहरान पर बातचीत को मुस्तरद नहीं किया। बहरान के लिए अफ्रीकी इकदाम एक बुनियाद हो सकता है जिस पर अमन कायम किया जा सकता है। गैर मुल्की खबर इस एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर ने सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से बात करते हुए कहा कि मास्को शुमाली बहरे ओकियानूस के ममालिक की दिफाई तंजीम नेटो के साथ किसी भी तसादुम के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा कि इस वक्त यूक्रेन के महाज पर कोई गैर मामूली तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं। 4 जून से यूक्रेन अपने 415 टैंक और 1300 बख्तरबंद गाड़ियां खो चुका है। पुतिन ने वाजे किया कि कोई भी रूस और नेटो के दरमियान तसादुम नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई चाहता है तो हम तैयार हैं। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि मास्को ने यूक्रेनी बहरान पर बातचीत को मुस्तरद नहीं किया। अमन मुजाकरात के मौजू पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि हमने उन्हें मुस्तरद नहीं किया, लेकिन ये कि इस अमल को शुरू करने के लिए दोनों तरफ से मुहायदा होना ज़रूरी है। ख्याल रहे कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जंग बंदी के ख्याल को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमन मुजाकरात के लिए मास्को को मकबूजा यूक्रेन की सरजमीन से अपनी फौजें निकालने की ज़रूरत होगी और जो कुछ रूस ने कहा है उस पर बातचीत के काबिल नहीं है। ब्रिक्स इजलास में शिरकत ना करने के हवाले से पूछे गए सवाल पर रूसी सदर ने सहाफियों को बताया कि वो ब्रिक्स ममालिक के तमाम साथियों के साथ रابطے में हैं और वो नहीं समझते कि ब्रिक्स सरबराही इजलास में उनकी मौजूदगी ज़्यादा अहम है। वो वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत करेंगे। सदर पुतिन ने रूस और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा कि हम अफ्रीकी बर्रे आज़म के बहुत से ममालिक के लिए फौजी साजो सामान को महफूज बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई ममालिक मगरबी दबाव के खौफ के बगैर रूसी हथियार खरीदते हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।